Hello everyone, dear students of class 8th, I welcome you all to our learning platform, Molding Minds. Today we have English worksheet number 5. आज हमारे पास English worksheet number 5 है और आज की worksheet को हम slogan के साथ start करते हैं. And the slogan is, no one is perfect, that's why pencils have erasers. कोई perfect नहीं है, पूर्ण नहीं, इसलिए pencils के पास क्या होती है? Erasers होती है. मतलब क्या हुआ? कि कोई भी अगर हम काम करते हैं तो वो जरूरी नहीं हम विदाउट मिस्टेक करें या हर काम हमें आता ही हो, तो वो हम मिस्टेक्स भी कर सकते हैं क्योंकि नए काम को सीखने में या उसमें परफेक्ट होने में टाइम भी लगता है. और आप कितनी मेहनत कर लें, अगर कोई भी आप एक काम करें, जैसे आप इंग्लिश ही सीख रहे हैं तो इसका बहुत वाइड स्कोप है, आप पढ़ते रहें लेकिन जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो ख़त्म नहीं होगा. तो आप पढ़ाई करते रहें और इसको आप जो आज के ये स्लोगन है इसको मोटिवेशन की तरह यूज़ करें. और ये वोल्फगैंग रिब ने ऐसा ये कोट दिया है. और आज की वर्कशीट को चलिए हम अब शुरू करते हैं. आज की वर्कशीट नंबर 5 में आप पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स, जो कि वर्कशीट नंबर 4 से कंटिन्यूड है. आपने पिछली वर्कशीट में क्या सीखा था? आपने सीखा था कि डिग्रीज कितनी होती हैं एडजेक्टिव्स की और कैसे कैसे हम डिग्रीज को चेंज करते हैं. आज की वर्कशीट में भी आप कुछ और तरीके सीखेंगे कि डिग्रीज को चेंज कैसे करते हैं. इसमें बता रखा है, लेट अस रिवाइज व्हाट वी डिड लास्ट वीक, पिछले हफ्ते हमने क्या किया उसको एक बार रिवाइज करते हैं. वी लर्नड अबाउट एडजेक्टिव्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो डिस्क्राइब करते हैं किसी के बारे में वर्णन करते हैं या बताते हैं. जैसे द सन इज शाइनिंग, द केक इज स्वीट, द फ्लावर इज ब्यूटिफुल. ऐसे जो ब्यूटिफुल, शाइनिंग और जो स्वीट है, ये वर्ड क्या है? ये क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, रोज, केक और सन की. तो ये वर्ड्स क्या हो गए? एडजेक्टिव्स हो गए, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो गए. वर्कशीट नंबर 4 में हमने पढ़ा था डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. 3 डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव्स की. पॉजिटिव, जो एक व्यक्ति के बारे में बताता है. कंपैरेटिव, जो दो व्यक्तियों को कंपैरिजन करता है उनकी क्वालिटीज के लिए. सुपरलेटिव, जो दो से ज़्यादा लोगों को कंपैरिजन करता है और किसी एक व्यक्ति को उन सभी व्यक्तियों में श्रेष्ठ दिखाता है, नंबर 1 पर दिखाता है उसकी क्वालिटी में या उसके काम में. 3rd है हाउ टू चेंज द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. आपने सीखा भी था कि एडजेक्टिव्स की डिग्री को कैसे चेंज कर सकते हैं. आप ER और EST अगर पॉजिटिव डिग्री में ऐड करेंगे तो वो चेंज हो जाएगी. जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, टोल, टोलर, टोलेस्ट. टोल एक के लिए, टोलर दो के लिए और टोलेस्ट सब में से किसी एक को ज़्यादा दिखाने के लिए. जैसे मैं बोल सकता हूँ राम इज टोल, मान लीजिए 2 फीट लंबा है राम. श्याम इज टोलर देन राम, वो 3 फीट लंबा है. और मैं बोल सकता हूँ मनोज इज टोलेस्ट देन, और मनोज इज टोलेस्ट ऑफ ऑल 3. मनोज देन नहीं लगाएंगे हम सुपरलेटिव डिग्री में, मनोज तीनों में सबसे ज़्यादा लंबा है. तो इसी सभी हमने रिवाइज किया पिछली वर्कशीट में. अब हम आज की एक्टिविटी को करते हैं और बड़ा ही आसान, एक बार आप खुद पढ़ें, खुद करें, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग इज द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग. आज हम सीखेंगे, टुडे वी विल लर्न अदर वेज ऑफ चेंजिंग द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव देन प्रैक्टिस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स बिलो. आपको क्या करना है, पॉजिटिव जो है उसके जो एंड होता है ई के साथ, जो भी पॉजिटिव डिग्री ई के साथ एंड होती है उसमें हम आर ऐड करेंगे उसको कंपेरेटिव बनाने के लिए, और ST ऐड करेंगे उसमें वो सुपरलेटिव बनाने के लिए. जैसे ब्रेव, बहादुर में ऐड किया, ब्रेवर हो गया और सुपरलेटिव बन गया ब्रेवेस्ट. जैसे मैं बोल सकता हूँ आई एम ब्रेव, मैं बहादुर हूँ. मैं बोल सकता हूँ आई एम ब्रेवर देन यू, मैं आपसे बहादुर हूँ. या मैं बोल सकता हूँ आई एम ब्रेवेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, मैं इस पूरे संसार में सबसे बहादुर व्यक्ति हूँ. तो आप ऐसे इसका यूज कर सकते हैं. नोबल किसी सज्जन पुरुष के लिए होता है, जो महान व्यक्ति होते हैं. तो इसको हम बनाएंगे आर के साथ ऐड कर, बड़ा ही आसान है नोबलर. और अगर सबसे ज़्यादा या दो में से ज़्यादा अगर हमें कंपैरिजन करना है तो ST ऐड करके बनाएंगे इसको नोबलेस्ट. प्योर, पवित्र, साफ, बिल्कुल, तो प्योर का हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री आर ऐड करके प्योरर. और ये हो जाएगा सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट. वाइज, समझदार, ठीक है, वाइज का हम ऐड करेंगे सुपर, कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा वाइजर और सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा वाइजेस्ट. मैं बोल सकता हूँ आई एम ए वाइज पर्सन, मैं एक समझदार पर्सन हूँ. मैं बोल सकता हूँ आई एम वाइजर देन यू, मैं तुमसे समझदार पर्सन हूँ. मैं बोल सकता हूँ आई एम द वाइजेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास,
मैं सबसे समझदार विद्यार्थी हूँ इस शिक्षा इस क्लास का। तो ऐसे आप इन डिग्रीज को यूज कर सकते हैं। इसके बाद दो यूजेज और सीखेंगे, उसमें पहले मैं बताया इफ द पॉजिटिव एंड्स इन वाई, अगर पॉजिटिव डिग्री एंड से खत्म होती है देन वी हैव टू वेज ऑफ चेंजिंग द डिग्रीज ऑफ सच एडजेक्टिव, तो हमारे पास दो तरीके हैं ऐसे एडजेक्टिव को चेंज करने के लिए। पहला तरीका बताया इफ द पॉजिटिव एंड्स इन कॉन्सोनेंट वाई, कॉन्सोनेंट वाई क्या होता है, वाई क्या है, वाई से पहले, वाई भी कॉन्सोनेंट, अगर वाई से पहले भी अगर कॉन्सोनेंट का यूज होता है, देखिए ए ई आई ओ यू पांच वोवल्स हैं और 21 लेटर्स, उनके अलावा जो बच गए वो सभी क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल किया है तो हम वाई को रिमूव करेंगे, आई ई आर एड करेंगे कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए और आई ई एस टी एड करेंगे सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। जैसे इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है इजी आसान, उसमें वाई से पहले क्या है, वाई से पहले एस का यूज हुआ है, किसका यूज हुआ है, एस का यूज हुआ है, एस क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हमने क्या किया, वाई को रिमूव किया, आई आर एड कर कंपेरेटिव डिग्री बनाया और आई ई एस टी एड कर सुपरलेटिव डिग्री बनाया। यूज कैसे करेंगे, जैसे मैं बोल सकता हूँ दिस चैप्टर इज वेरी इजी, मैं बोल सकता हूँ द फर्स्ट चैप्टर इज इजियर देन द सेकेंड वन, कि पहला जो चैप्टर है वो दूसरे से आसान है। मैं बोल सकता हूँ द चैप्टर द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर बुक और आवर टेक्स्ट बुक इज द इजिएस्ट ऑफ ऑल ऑफ द चैप्टर, सबसे आसान चैप्टर हमारी पूरी किताब का पहला चैप्टर है। अब ऐसे ही हैप्पी, वाई से पहले क्या आया, पी, पी कॉन्सोनेंट है तो चेंज कीजिए हैप्पियर और हैप्पीएस्ट वाई को हटाकर आई ई एस टी एड कर हैप्पीएस्ट कर दीजिए। जैसे मैं बोल सकता हूँ आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, मैं बोल सकता हूँ वी आर, सॉरी वी नहीं आएगा, आई एम हैप्पियर, या बोल सकते हो विराट इज हैप्पियर देन अनुष्का, विराट अनुष्का से ज़्यादा खुश है। मैं बोल सकता हूँ विराट इज द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड या विराट इज द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, विराट सबसे ज़्यादा खुश व्यक्ति है पूरी भारतीय टीम में से। अब आ जाता है थर्ड वर्ड, आ जाता है लेजी, लेजी माने सुस्त, वाई से एंड हो रहा है, पहले जेड है कॉन्सोनेंट है तो आप लगाएंगे एल ए जेड आई ई आर लेजियर और एल ए जेड आई ई एस टी बनाकर आप लेजियस्ट बना देंगे। जैसे मैं बोल सकता हूँ सचिन इज लेजी, सचिन सुस्त है, मैं बोल सकता हूँ सचिन इज लेजियर देन रोहन, रोहन से ज़्यादा सुस्त है, मैं बोल सकता हूँ सचिन इज द लेजियस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, सचिन क्लास का सबसे लेजियस्ट विद्यार्थी है। हैवी जो भारी भरकम होता है, अगेन वाई से पहले वी यूज हुआ है तो आप इसको चेंज करेंगे एच ई ए वी आई ई आर हैवियर और आप हैवीएस्ट में आई ई एस टी यू एड कर देंगे वी के बाद। मैं बोल सकता हूँ दिस बॉक्स इज हैवी, ये जो बॉक्स है ये डिब्बा है ये हैवी है, मैं बोल सकता हूँ द फर्स्ट बॉक्स इज हैवियर देन द सेकेंड, जो पहला बॉक्स है वो दूसरे से ज़्यादा भारी भरकम है, मैं बोल सकता हूँ द फर्स्ट बॉक्स इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल दिस बॉक्सेस। मान लीजिए चार पांच बॉक्सेस रखे हैं और उसमें मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं सब ये जो पहला वाला बॉक्स है या जो कोई भी दूसरा वाला बॉक्स है जो सबसे हैवीएस्ट है वो इनमें सबसे ज़्यादा भारी भरकम है। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं, जो वर्ड्स वाई से शुरू होते हैं और उनसे पहले वोवल का यूज होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम आई आर या आई एस टी ऐड नहीं करते हैं, वहाँ पर हम ऐड करते हैं ई आर और ई एस टी, जब वोवल से पहले वाई से पहले क्या आ जाए, वोवल आ जाए, मीन्स ए ई आई ओ यू का यूज हो। जैसे गे, गे का मतलब होता है कोई खुश मिजाज व्यक्ति, वाई से पहले ए आया है तो यहाँ पर जी ए वाई ई आर और जी ए वाई ई एस टी यूज हुआ है, ग्रे कलर को बोलते हैं तो जी आर ई आर ग्रेयर हम लिखेंगे और जी आर ई एस टी ग्रेस्ट हम लिखेंगे। तो हमने वाई को रिमूव किया है और हमने ऐड किया है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज ध्यान देना चाहता हूँ, अगर आपने ढंग से इसको पढ़ा होगा तो यहाँ पर ऊपर तो क्या लिख रखा है वी रिमूव वाई, लेकिन यहाँ पर एग्जांपल में वाई को कहाँ रिमूव किया, सिर्फ ई आर और ई एस टी ऐड करके किया है, तो दिस इज द प्रॉब्लम बेटा। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो जो टीचर अगर गलत भी बताएगा तो आप उसको भी पकड़ लेंगे, उसको भी उससे सीख लेंगे। तो यहाँ पर इसकी कंपेरेटिव डिग्री बनेगी, वाई को हम रखेंगे रिमूव नहीं करेंगे, ये टाइपिंग एरर है,
ये बिल्कुल टाइपिंग एरर है, और यहाँ पर जी आर ई वाई ई एस टी ऐड कर कर इसको सुपरलेटिव डिग्री बना देंगे। यहाँ पर हमारी आज की वर्कशीट नंबर 5 खत्म होती है। लास्ट में क्या मैसेज पढ़ते हैं, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards एज शोन इन दिस पिक्चर, एंड इफ यू फाइंड दिस वर्कशीट हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।